अस्सलाम वालेकुम, ग्रेटफुल कैसे, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको करवाऊंगी आपका नेक्स्ट यूनिट जो कि हमारे पास है डेसिमल यूनिट नंबर 4। अच्छा चलिए मैं आपको बताती चलूँ डेसिमल होते क्या। डेसिमल मतलब पॉइंट में आंसर का आना, पॉइंट में नंबर्स का होना डेसिमल कहलाता है। पॉइंट को हम उर्दू में इशारिया भी कहते हैं। इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज 3, 4 एंड 5। एक्सरसाइज 3 देखें, ऐड द फॉलोइंग। ऐड का मतलब होता है जमा, और सॉल्व द फॉलोइंग में नीचे आए तो वो है माइनस से क्वेश्चन, और दो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है हमारे पास, हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हमारे पास क्या, ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग में हम इनको प्लस करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे 9.11 प्लस 8.03। तो जो पहला वाला नंबर है वो हम लिखेंगे 9.11। दूसरा नंबर, अच्छा 3 इधर लिखेंगे, 0 इधर लिखेंगे, पॉइंट दरमियान में रहेंगे, और 8 पॉइंट से पहले वाले नंबर एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, और दूसरे नंबर जो है इसी तरह एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। नंबर्स की तरतीब आपने गलत नहीं करनी। 1 में 3 प्लस किया गया 4, 0 में 1 प्लस करेंगे या कोई भी नंबर तो 1 ही आएगा। पॉइंट इसी तरह आ गया, 8 और 9 प्लस करेंगे, 8 और 9 हमारे पास क्या होते हैं, 9 से लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हो जाएंगे 17। तो हम यहाँ 17 पूरा का पूरा यहाँ लिखेंगे, हमारे पास हो गया आंसर। अब आते हैं दूसरी तरफ 4.3, तो हम क्या देखें 43.17 इसके नीचे आएगा पॉइंट, और 12 43 के नीचे आ जाएगा, कभी हमने ऐड कर लें 7 और 1 8 हो जाते हैं। पॉइंट इसी तरह नीचे आ जाएगा 2 और 3 5 4 और 1 5, दैट्स आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं 52.9 और 2.2। 2 इधर ही आएगा पॉइंट्स के बाद, जो ये वाला नंबर ये इसी तरह आएगा, और ये वाला 2 आएगा 2 के नीचे, यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा। 9 और 2 क्या आते हैं 11, 1 इधर लिखा, 1 हासिल जरब हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 2 और 2 4 और 1 5, जो कैरी है तो वो जमा हो जाता है, और ये 5 से इधर नीचे आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, ये है 5.69। नेक्स्ट है हमारे पास 2.89, तो हम 2 इधर लिखेंगे और 89 यहाँ। 9 को 9 जमा करें तो हमारे पास क्या आता है 18 आता है। 18 में से जो पहला नंबर है वो हम 8 यहाँ लिखेंगे, और 1 यहाँ हाथ से ले लेंगे। 6 और 8 क्या होते हैं 14, 14 में 1 प्लस करो 15, 15 में से भी 5 ही, और पहला नंबर क्या हासिल हो जाएगा इधर आके, पॉइंट इसी तरह नीचे लगेगा 5 और 1 6 7 8, ये करेगा 8 8.58। अब आते हैं अगले सवाल पे, जो हमारे पास क्या है 6.02 1.89। 8 और 9 और 2 क्या होते हैं 11, 1 और 1 कैरी हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास 49.3 और 21.6। 6 और 3 क्या हो जाते हैं 9, पॉइंट इसी तरह नीचे 9 और 1 10, 0 ये 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 1 5 और 6 7, ठीक हो जाएगा 70.9। अब हमारे पास क्या है सॉल्व द फॉलोइंग। अब इसका हमने क्या माइनस करना है, 4.91 में से हमने क्या निकालना, 3.92 माइनस करना है। 1 में से 2 माइनस नहीं हो रहा, तो ये 8 हो जाएगा इसका, एक देंगे ये 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9। अब 8 में से भी 9 नहीं हो सकता, तो देने से क्या करेंगे, यहाँ 3 रह गया, यहाँ कैरी देंगे, ये 18 बन जाएगा। 18 में से 9 गया 9, 3 में से 3 गया 0, 0.99 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7.34 2.86। नीचे का नंबर छोटा बड़ा और ऊपर नंबर छोटा, तो हम कैरी ले लेते हैं, यहाँ से कैरी देंगे, ये 14 हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा। 14 में से 6 के 8, 2 में से 8 जान सकते हैं, इससे कह देंगे 6 रह जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 और 8, 12 में से 8 के 4, 6 में से 2 के 4, ये हमारा आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं 5.06 माइनस 2.76। 6 में से 6 के 0, 0 में से 7 जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, ये 4 हो कैसे कैरी लेके, ये 10 कर देंगे, 10 में से 7 के 3, यहाँ क्या रह गया, ये 5 में से हमने किया था, तो 5 में से 1 कैरी से दिए 10 हो गया, तो यहाँ 4 आ गया, 4 में से 2 के 2, ये हो गया आंसर। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.88।
अब एट जो है छोटा नाइन पड़ा था हमने कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 7। 18 में से 9 के 9, 7 में से 1 के 6 और 7 में से 6 के 1 आंसर हो गया हमारे पास। इसका हमारे पास 9.80 माइनस 1.09। 0 में से 9 ही जा सकता तो ये इसमें से क्या ये 7 हो जाएगा, ये किसको कह देगा ये 10 हो गया, 10 में से 9 के 1, 7 में से 0 हो गया 7, 8 9 में से 1 के 8 ये आंसर हो गया। हमने क्या करना है, 9 जो है सिर्फ इसी तरह लिखा तो इसको 9 कर लेंगे। अब 9 में से 8 किया 1 हो गया, पॉइंट यहाँ लगा दी। 8 में से 7 किया 1 और 7 को इसी तरह नीचे उतार लेंगे, 71.19 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जुबेर बाउट है चॉकलेट्स फॉर रेस्ट 45.7 एंड आई कैंडी फॉर रेस्ट 10.2, हाउ मेनी हाउ मच शीट स्पेंड अमाउंट टुगेदर। अब हमने इसको प्लस करना, हमने पहले क्या लिखना है, पहले हम लिखेंगे जुबेर बाउट चॉकलेट टू 45.7 और क्या है प्राइस ऑफ कैंडी हमारे पास क्या है 10.2 और टुगेदर इज इक्वल टू हमारे ऑल टुगेदर कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 45.7 और 10.2 को प्लस करेंगे 7 और 9, 5 में 0 प्लस किया 5, 4 और 1 5, 55.9 इज आंसर। नेक्स्ट देखें, द मैस ऑफ एप्पल इज 38.9 kg एंड मैस ऑफ गवा इज 42.6 kg। अब फर्स्ट इसका हमने डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन द मैस ऑफ एप्पल एंड गवा और सेकंड फाइंड द टोटल मैस। अब ए पी अब जो हमारे पास ए है वो क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस हमें क्या लिखेंगे, डिफरेंस में लिखेंगे द मैस ऑफ एप्पल 38.9 एंड क्या है मैस ऑफ गावा इज इक्वल टू 42.6 kg लिखेंगे डिफरेंट, डिफरेंस हमने फाइंड करने का मार्क्स निशान लगा देंगे, तो हम क्या करेंगे इसको फाइंड कैसे करेंगे, 38.9 माइनस 42.6 हम क्या करेंगे जो कि मैस ऑफ डिफरेंस हमें फाइंड करना, तो क्यों मैथ क्या है इसका ज़्यादा है तो इसको हम हिस्सा कर लेंगे। पहले हम इसमें लिख लेंगे गावा का मास ज़्यादा तो डिफरेंस 42.6 कर लेंगे, बड़े में से छोटे को निकालेंगे तो फिर 38.9 लिख देंगे। 2 में से 1 6 हो गया, ये 16 हो गया, 16 में से 9 के ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 7, ये 1 रह गया 1 में से, ये 3 रह गया 1 कर दिए 11, 11 में से 8 के 3 तो 3.7 आ गया। इन क्या फाइंड द टोटल मैस, अब इसको हम क्या करेंगे 38.9 ऊपर लिखेंगे 42.6 इनको टुगेदर प्लस कर देंगे, मैस हमने 6 और 9 के हमारे पास 15 है, 5 ये 1 कैरी, 8 और 2 10, 10 और 1 11 1 कैरी, 4 और 5 6 7 8 हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया आंसर। तो ये हमारे पास हो गया उसकी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। अब आते हैं एक्सरसाइज 4 पे, एक्सरसाइज 4 आप देख लें जिससे सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड के क्वेश्चन और स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो अब हम करते हैं इनको सॉल्व। तो ये हमारे पास क्या है स्टेटमेंट के क्वेश्चन, ये हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग में हमारे पास क्या होगा, और मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, 5.9 मल्टीप्लाई बाई 10 लिखेंगे, पॉइंट इनका पहले खत्म करना है, पॉइंट खत्म करने के लिए पॉइंट के नीचे वाले नंबर पे हम 1 लगाते हैं और 7 0 लिख देते, जितने अगले नंबर होंगे उतने 0 होते, तो हम क्या करेंगे 10 1 10 10 10 1 10 10, ये हमारे पास क्या रह जाएगा 15 9, पॉइंट खत्म हो गए क्योंकि हमने 1 कर दिया। अब नेक्स्ट क्या 4.8, तो 4.8 खत्म हो गया, पॉइंट की जगह हमने 1 लगाया और 8 है आगे तो 1 डिजिट है तो 1 0 ला जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100, 10 1 10 10 10 10 100, 10 को 48 से मल्टीप्लाई करें, देखें 48 और 10 मल्टीप्लाई 0, 8 को मल्टीप्लाई करो 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करो 0, 1 को से करो 8 और 4 को 1 से करो तो 1, देखिए 480 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या है 480। नेक्स्ट हमारे पास क्या 0.3 है तो 1 तक आ तो 0, यहाँ 0 लिखो या लिखो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 0 आ गया मल्टीप्लाई का 1000,
टेन वन टाइम टेन, टेन को हंड्रेड टाइम करें तो क्या 1000 आ जाएगा। 3 × 100 इज इक्वल टू 300, ठीक है। सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 का टेबल 6 टाइम पढ़े तो क्या आता है, 1 × 8 is 8, 2 × 8 is 16, 3 × 8 is 24, 4 × 8 is 32, 5 × 8 is 40 एंड 6 × 8 is 48। तो 48 में हमारे पास टू नंबर्स होते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है 8 वो यहाँ आएगा और जो ये 4 10 में आ रहा है वो कैरी हो जाएगा। 8 का टेबल 5 टाइम हमने अभी पढ़ा था, 40 था, 40 में 4 ये कैरी प्लस कर लेना तो ये हो जाएगा 44 पॉइंट, एक नंबर के बाद था तो यहाँ एक नंबर के बाद हमने पॉइंट कर दिया। अब जैसे ये है मल्टीप्लाई, 2 का टेबल 1 टाइम पढ़े 2 आता है, 2 का टेबल 7 टाइम पढ़े तो 14 आता है, तो यहाँ पॉइंट दरमियान में लगा देंगे 1 के डिजिट के बाद, इस साइड से हमने पॉइंट देखना है। 8 के टेबल 9 टाइम पढ़े तो 72 आता है, तो 2 यहाँ लिखेंगे 7 कैरी, एंड 9 टाइम 81, 81 में 7 प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 88.2 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड का क्वेश्चन है, जैसे कि 114 / 2, अगर जैसे पॉइंट की वजह से हम क्या लिखेंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, और 2 का टेबल अगर 7 तक पड़े तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.414 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पॉइंट है तो यहाँ हम 0 लगा देंगे, 2 का टेबल 9 तक पड़े तो क्या आ जाएगा 18, सॉल्व हो गया। अब जैसे 4 1 टाइम 4 आ गया, 6 में से 4 × 2 0.44 ये आ गया, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये 24 हो गया, 4 का टेबल अगर हम 6 में पढ़े तो क्या आता था 24 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबा यूजेस 9.8 मिली लीटर ऑफ ऑयल ऑयल टू बेक अ केक, हाउ मच ऑयल विल शी यूज टू बेक द शी यूज टू बुक टू सच केक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे इधर ऑयल फॉर 1 केक, उसने 1 केक बनाने के लिए कितना लिया, ऑयल फॉर 1 केक, 1 केक के लिए उसने लिया था 9.8 मिली लीटर, और अब लिखेंगे ऑयल फॉर 10 केक्स, तो ये क्या 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 9.8 को यहाँ साइड पे जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, 0 को 8 से करें तो ये 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 0, और 1 को 8 से करेंगे 8, और 1 को 9 से करेंगे तो हमारे पास क्या 980 आ जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा 98.0 ml, तो 0 की कोई वैल्यू रहती है हम इसको 98 ml लिख सकते हैं 980। अब हम इसको लाइन के लिखें, सो शी यूज 98 मिलीलीटर ऑयल टू बेक 10 केक्स। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, अ टेलर यूजेस 2.5 मीटर क्लॉथ टू टेक अ शर्ट, हाउ मच क्लॉथ विल ही यूज टू मेक 8 सिमिलर शर्ट्स। अगर उसने एक शर्ट के लिए जो है 2.5 मीटर क्लॉथ लिया तो 8 शर्ट को हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम सॉल्यूशन लिखेंगे, क्लॉथ फॉर 1 शर्ट इट इज इक्वल टू 2.5 मीटर, क्लॉथ फॉर 8 शर्ट्स इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 8.5 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 5 × 8 = 40, 0 ये 4 कैरी, 8 × 2 = 3 ये 20, तो ये हमारे पास क्या अगर 20 मीटर कपड़ा हमारे पास हो तो हमारे पास 8 शर्ट्स बन जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सो ही यूज 20 मीटर क्लॉक टू मेक 8 सिमिलर शर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ रॉप इज 7.2 मीटर, इरम कट हिज रॉप इन टू 4 equal pieces। अब इन 2 पार्ट्स हैं, एक उसकी एक लंबी रस्सी, उसको 7.2 मीटर की रस्सी थी, उसको इन्होंने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, वट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक का पीस की लेंथ बतानी है, और दूसरे के ईच विल कट अ रोप इंटू 2 equal pieces, वट विल बी द लेंथ ऑफ ईच, पहले 4 हिस्से अगर काटेंगे तो क्या उनकी लेंथ होगी, और अगर उस रस्सी को 2 हिस्सों में काटेंगे तब क्या लेंथ होगी हमने बतानी है। ए हमारे पास है, इसमें हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रोप 7.2 मीटर,
नंबर ऑफ पीस इज इक्वल टू 4। अब हमारे क्या 7.2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 पर, तो इसको यहाँ 7.2 लिख देंगे और 4 वन टाइम 4, 7 में से 4 के 3.2, 0.2 पर चल जाएगा, ये 32 हो जाएंगे, 4 8 टाइम 32, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.8। तो इसका हम लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ ईच पीस विल बी 1.8। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर उसको दो हिस्सों में काटेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो हम इसको देखेंगे बी हम करेंगे 7.2 डिवाइडेड बाय 2, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 7.2 अंदर लिखेंगे और 2 बाय 2, 3 टाइम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 रह जाएगा 1.2, 0.2 का चल जाएगा 2, 6 टाइम 12 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3.6। हम इसको लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ ईच पीस विल बी 3.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 इज आई मस्ट सॉल्व 5 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स इन 8.5 मिनट्स, हाउ लॉन्ग डी शी टेक डस ही टेक टू सॉल्व वन क्वेश्चन। उसने 5 सवाल 8.5 मिनट्स में सॉल्व किए हैं, तो वो एक सॉल्व में कितना टाइम लगाएगी हमने फाइंड करना है। हम इसको लिखेंगे टाइम फॉर 5 क्वेश्चन 8.5 मिनट, टाइम फॉर 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 8.5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, अब 8.5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 में से 8 में से 5 का 3, 5 नीचे आ गया, 0.2 पर चला गया, 5 7 टाइम 35, तो हमारे पास क्या आ गया 1.7 मिनट। तो हम क्या देखेंगे, सो ही टेक सॉल्व 1 इन 7। ये हमारी होगी एक्सरसाइज फॉर कंप्लीट। एक्सरसाइज 5 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। अब जैसे 9, 8, 7, 1 है, तो ये 10 के ये लास्ट टू नंबर जो 10 की फॉर्म में लिखेंगे, फिर 100 की फॉर्म में ये 3 नंबर आएंगे और 1000 की फॉर्म में ये 4 नंबर ही हमारे चेंज हो जाएंगे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट राउंड, तो ये अब ये क्या होल नंबर टू राउंड ऑफ 10 होल नंबर टू क्या होगा, जैसे 9, 8, 7, 0 क्योंकि 70 के करीब तरीन है, तो ये 70 हो जाएगा, ये हमने 10 की फॉर्म में ये दोनों चेंज करने हैं। अब राउंड ऑफ होल नंबर 100, ये 100 करें 200, तो हम ये क्या करेंगे, अब ये वाला नंबर चेंज करेंगे, ये क्या होगा 900 हो जाएगा, ये सारा नंबर क्या हो जाएगा 900 के करीब है ना, 870 तो ये 900 के करीब, तो हम यहाँ 900 लिख देंगे और यहाँ हम लिखेंगे राउंड ऑफ होल नंबर 2000, तो ये क्या हो जाएगा 10000, 1 2 3 4। नेक्स्ट भी आते हैं 5, 4, 6, 7, 5, 4, 6, 7 है, तो हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ होल नंबर 2, 5, 4, 6, 7 किसके इक्वल है 5, 4, 6, 5, 4, 70 के करीब है, 70 हो जाएगा, तो 100 का हम लिखेंगे, 100 का ये ऊपर वाली स्टेटमेंट ही आप नीचे लिख देंगे, 100 में हम क्या करेंगे 5, 500 क्योंकि ये 500 के करीब है, तो हम 500 लिख देंगे, और 1000 पे हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, ये 5 और 6000 के दरमियान है, तो इसको हम 5000 ही कर देंगे। इसी तरह ये अब 10 की फॉर्म में होगा, 10 की फॉर्म में हमारे पास क्या होगा 6, 3, 4, 3 क्या 40 के करीब है, तो ये 40 हो जाएगा। 100 की फॉर्म में हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके 6
ये 3,600 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 343 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 400 के करीब, नहीं ये ज़्यादा 300 के करीब आ रहा है, तो 300 के करीब हो जाएगा। तो 1,000 में हम क्या लिखेंगे, 6343 को हम 6,000 लिखेंगे। अब ये 1 2, अब ये 10 की फॉर्म में करेंगे तो ये हमारे पास क्या 1 2 10 हो जाएगा, 100 की फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1200, और 1,000 की फॉर्म में करेंगे तो जो करीब तरीन होगा तो ये क्या हो जाएगा 1,000 के करीब है, 1,200 है तो 1,000 हो जाएगा। जैसे 5 5 है, 10 की फॉर्म में करेंगे तो 5 5 60 कर लें, 100 की फॉर्म में करेंगे तो 5 500 हो जाएगा, और अगर 1,000 की फॉर्म में करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 6,000 के करीब ही कर लें। तो ये आप सबने आपने कर लेना, और स्टेटमेंट ऊपर वाली ये जो मैंने लिखी है वो वाली लिख के साथ ही कर लेना, मैंने इसको सिंपली कर लिया। अब मैं और जो बाकी क्वेश्चन है वो इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन, मैंने राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन टू द नियरेस्ट होल नंबर्स, ये 5.61 है, ये सारे डेसिमल फ्रैक्शन में, तो उसको मैं सॉल्व करने लगी हूँ। इनको राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद अगर 6 से 5 से बड़ा जो नंबर होता है ना, तो जो 5 पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो अगर 5 से बड़ा हो तो दूसरे में ऐड हो जाता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसकी क्या ये बस ये क्या हो गया राउंड ऑफ हो गया, ये 6 हो गया। जैसे 5 4.2, अगर ये जैसे 5 से ये छोटा है तो ये राउंड अबाउट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा ये राउंड अबाउट होगा, इससे 54% ही रहेगा, ये 54 ही हो जाएगा। जैसे 987.44 भी 5 से छोटा तो ये क्या होगा 987 हो जाएगा। अगर ये नंबर बड़ा होता 5 से तो ये 1 इसमें ऐड हो जाता, तो ये 588 हो जाते, 988 सॉरी। जब से 812.77 चुके 7, अब इसमें 7 चुके क्या बड़ा है 5 से, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, ये 12 है तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसी तरह जैसे 8.98 है, 9 बड़ा है 5 से, तो हम इसमें ऐड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 हो जाएगा, इसका अप्रोक्सीमेट लिखना है। और ये 6.5 है तो ये 7 के राउंड अबाउट हो जाएगा। 76.49 है, 4 5 से छोटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 76.94 में ऐड हो जाएगा, तो ये 5 भी बन सकता है। 81.9 8.19 है तो 1 में ऐड नहीं हो सकता, माइनस में ऐड हो जाएगा 4.8.2 हो जाएगा, 9 1 में तो ऐड हो सकता है ना। 87.87 87, अब ये वाला एक नंबर इसमें ऐड हो जाएगा तो 88 हो जाएगा। ये हो गया हमारी एक्सरसाइज, 5 भी कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़। और दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी।